भाजपा नेताओं ने गीता भवन स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर की सफाई, माल्यार्पण करके विशेष सज्जा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसीराम सिलावट भी हुए शामिल। इंदौर में भाजपा नेताओं के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज से क्रांतिकारी महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाओं पर साफ सफाई और साज सज्जा का अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में आज भाजपा नेताओं के द्वारा गीता भवन स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर साफ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इस अभियान के तहत पहुंचे। वहीं इस अभियान में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसीराम सिलावट भी शामिल हुए, जिन्होंने सफाई करने के साथ ही अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें भाजपा के द्वारा विभिन्न आयोजन इस अभियान के तहत किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने आह्वान किया कि सारे देश में कार्यकर्ता, वे सब महान लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, उन सब की प्रतिमा जहां लगी हुई है उसकी साफ सफाई करें, उनको दूध से स्नान कराएं, अभिषेक करें और उनको माल्यार्पण करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। आज इसी कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर तिरंगा भी चल रहा है, तिरंगा यात्रा भी चल रही है और इन महान विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके प्रतिमा को का अभिषेक करना और उसमें माल्यार्पण करना, मेरे साथ माननीय तुलसी सिलावट जी और नगर अध्यक्ष गौरव जी और पूरे कार्यकर्ताओं की टीम ने आज बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और निश्चित रूप से संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का इस देश को जोड़ने में, इस देश के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके प्रति हम सब लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं।